25 अक्टूबर को अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मिलियन मार्च की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। अमरीका भर में मौजूद कश्मीरी कम्युनिटी के दरमियान राब्तों में इजाफा हो गया है। कश्मीरी बिरादरी ने कहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा कश्मीर को भारतीय तसल्लुस से आजाद करवाए। देखते हैं वॉशिंगटन से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। 25 अक्टूबर को अक्वामे मुत्तहिदा के 70वें इजलास में पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर के मसले को उठाने के बाद पूरी दुनिया में कश्मीरी मुतहरक हो गए हैं। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने 25 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में मिलियन मार्च का ऐलान किया है। इंतहाई जोश व खरोश के साथ 25 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के सामने आ रहे हैं। शुरका का कहना था कि एटमी जंग के खतरे को टालने के लिए कश्मीर के मसले को हल करना जरूरी है। पीस इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया, बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है। तो इसकी अगर पूरी दुनिया हिमायत नहीं करता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है वो उसको न्यूक्लियर डिजास्टर तक पहुंचा सकता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ये भी कहना था कि हम पूरे अमरीका को इस मिलियन मार्च के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं।